इस चैप्टर का नाम नॉस्टैल्जिया है। इंग्लिश वर्ड नॉस्टैल्जिया का ओरिजिन ग्रीक से हुआ है और ये बना है दो वर्ड से, नॉस्टॉस और एल्जिया। नॉस्टॉस का मतलब होता है वापस जाना और एल्जिया इज पेन। सो बेसिकली इट्स एन अनअपीज्ड अर्निंग टू रिटर्न, मतलब वापस जाने की इच्छा जो पूरी नहीं हो रही है उसके कारण जो दर्द होता है, जो व्यथा होती है, उसे नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। मेरा ये ब्लॉग नॉस्टैल्जिया के ही बारे में है। जतीत सिंह साहब की एक गज़ल है, फिर वहीं लौट के जाना होगा, यार ने कैसी रिहाई दी है। तो वापस जाने के बारे में ये ब्लॉग, मैं कोलकाता से बनारसी की फ़्लाइट पकड़ रहा हूँ और द जर्नी बिगिंस। इस सफ़र में मेरे साथी हैं समीर और नवीन। नॉर्थ इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं, साउथ इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं, बट सारे शहरों की फील सेम आती है। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि एक बार खुशकिस्मती से बांग्लादेश जाने का मौका मिला, बांग्लादेश भी ऐसा ही लगता है। तो सच, इंडिया इज सो सिमिलर एंड दिस प्रॉब्ली एंटायर सब कॉन्टिनेंट की जो इमेजरी है वो एक तरह की लगती है। एहरोरा की पहाड़ियाँ और मारकुंडी की चढ़ाई, नीचे से दिखता हुआ शहर, हम जा कहाँ रहे हैं? हम एक ऐसे शहर में जा रहे हैं जिसको शायद दुनिया ने देखा होगा गैंग्स ऑफ वासेपुर में। फ्रेंड्स प्रेजेंटिंग चैप्टर 2 ओबरा। मुझे भी ये हाल फिलहाल में पता चला कि गैंग्स ऑफ वासेपुर की काफी शूटिंग ओबरा के आसपास हुई है और अनुराग कश्यप साहब कभी तो बचपन में यहाँ पे रहे थे। मेरा जन्म ओबरा में हुआ। कोई अगर पूछे कि तुम कहाँ के हो तो सबसे पहले ध्यान आता है ओबरा, लेकिन इस शहर को, इस कस्बे को मैंने छोड़ा 1998 में और तब से एक प्रबल इच्छा थी कि मैं वापस जरूर जाऊँगा। इच्छा ये भी थी कि जीवन में कुछ कर लें फिर वापस जाएं तो शहर को बता पाएंगे कि कुछ नाम करके आए हैं। और आजकल के मोबाइल के युग में ऐसी इच्छा होती है कि सब कुछ, सारे दृश्यों को अपने अंदर समाहित कर लें, तो कैमरा हमेशा ऑन रहता है। हम रुक रहे हैं वीआईपी गेस्ट हाउस में ओबरा के, और बचपन में इसे दूर से देखा करते थे। यहाँ पे जो बड़े अधिकारी होते थे, बाहर से आने वाले लोग, वो यहाँ रहा करते थे। अगले दिन तय हुआ कि सबसे पहले अपने पुराने स्कूल जाएंगे। एक कारण ये कि मेरे और समीर के बीच में ये सबसे बड़ी कॉमन चीज है, और दूसरी ये कि स्कूल का समय और शायद बाद में वहां पे आना संभव ना हो। शहर देखने में पुराना जैसा लगता है और नए जैसा लगता है। बहुत बढ़िया एक पंक्ति पढ़ी मैंने कि मुझे सच में झूठ और झूठ में सच मिलाना आता है। शहर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ पुराने सा नया और नए में शायद पुराना। तीसरा अध्याय है सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल। कॉन्वेंट में मैं 10 साल पढ़ा और एक अजीब सी अनुभूति होने लगती है यहाँ पे आते हुए। इसी गेट के बाहर पापा आके लेते थे हम लोग को स्कूल की छुट्टी के बाद, सुबह छोड़ के जाते थे। चर्च था जहाँ पे हम क्रिसमस के दौरान जाया करते थे। कितने सारे दोस्त, कितनी सारी यादें 10 साल में बनती हैं। कितने सारे लोगों के मुझे नाम याद आते हैं। समीर तो मेरे साथ में है ही, अभिनव गुप्ता दोस्त हुआ करता था, अभिषेक गुप्ता, तुलिका, नाजिया जमाल, आशुतोष त्रिपाठी, कितने सारे नाम याद आते हैं। उन लोगों के साथ यहाँ पे हमने खेला, टिफिन खाते थे, टिफिन लंच हुआ करता था। और यहाँ पे क्या होता था कि चूंकि आसपास में बहुत सारे जंगल है, चीलें आया करती थी, तो अगर आप खुले में टिफिन बॉक्स खा रहे हैं तो आसमान से चील आके आपके पराठे ले जाती थी और कभी कभी साथ में उंगलियों में खरोच भी दे जाती थी। तो बहुत सारी यादें, बहुत सारी स्मृतियां। स्कूल की असेंबली में खड़े होने का जो डर लगता था, सामने इतने सारे बच्चे, और आप सोचे तो अगर आप स्टेज की उस तरफ हो तो लगेगा कि असंख्य बच्चे सामने खड़े हैं, और जब कभी भी ऊपर
कुछ स्पीच देने का या कुछ बोलने का मौका आता था, दिल सरपट भागा करता था। और चार हाउसेस हुआ करते थे, नेहरू, गांधी, शास्त्री, टैगोर, और आप अपने हाउस के लिए जी जान से लगे रहते थे। अच्छा काम करने पे स्टार दिए जाते थे या कुछ मेडल भी मिलते थे जहाँ पे प्राउडली डिस्प्ले होते थे, और अगर आपने अपने हाउस के लिए कुछ बड़ा काम किया तो आप पूरे स्कूल में एक स्टार की तरह से घूम सकते थे। सुबह सुबह यहाँ पे सारे बच्चे असेंबली में खड़े होते थे, प्रेयर की जाती थी, कुछ बच्चे स्टेज पर आकर बोलते थे, और अभी भी सोच बोलूँ तो बहुत ही रोमांचक अनुभव हो रहा है, बहुत रोमांचित अनुभव हो रहा है। The sister who was here and she was so kind, so gracious and so happy to meet us. बहुत प्यार से उन्होंने हमारे साथ फोटो खिंचाई स्टेज पे। And these nuns have a lot of contribution, हम जीवन में आज जहाँ भी पहुँच पाए, हम जो भी कर पाए, हमारे टीचरों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। Charlie Vergis, he kindly agreed to show the school around. और उनके साथ घूमते घूमते ये रियलाइज हुआ कि जिस समय में हम स्कूल में पढ़ रहे थे वो भी स्कूल में पढ़ रहे थे, और मुझे नाम बहुत याद आता है लेकिन समाओ में चेहरे से उस समय में बिल्कुल रिकलेक्ट नहीं कर पाया कि चार्ली वर्गीस कौन थे। लेकिन ही वॉज सो काइंड, ही टुक अस अराउंड द स्कूल, हेल्प्ड अस रिवाइव आवर मेमोरीज। कॉन्वेंट स्कूल में नए एडिशंस कंपैरेटिवली कम है। मेरे समय में स्कूल हाई स्कूल तक का हुआ करता था, अभी तक ये हाई स्कूल का है। एक नया स्टेज आया है, एक नई बिल्डिंग आई है, लेकिन मोर ऑर लेस मैं बोलूंगा स्कूल तकरीबन वैसा ही है। स्पीक काउंटर के पीछे प्रिंसिपल का ऑफिस हुआ करता था, और अगर कभी आपको प्रिंसिपल ने बुला लिया तो दिल कांप जाता था। स्कूल में बहुत सारी चीजें सिखाई, कुछ ऐसी जो आपको याद है कि आपने स्कूल से सीखी, और कुछ ऐसी जो उसने चुपचाप सिखा दी, शायद जीवन में बाद में आपको लगा कि ये तो स्कूल ने सिखाई थी। खुशकिस्मती से नीना मैम जो हमें इंग्लिश पढ़ाती थी वो आज भी वहीं पे रहती हैं पास में, हम उनसे मिलने गए। शहर में आप सबसे में अपने पुराने निशान खोजते रहते हैं, जैसे जब भी हमें कोई ऐसा निशान देखे, अरे ये तो हमारे समय में भी था, आप तुरंत उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसकी पिक्चर खींचते हैं। तो नूरी बुक डिपो हमारे समय में भी था, आर्य समाज स्कूल था एक जिसमें हमारे कई मित्र पढ़ा करते थे, और एक चड्ढा मार्केट। घर के पास में दुकानें हुआ करती थी और मम्मी छोटा छोटा सामान लेने के लिए चड्ढा मार्केट भेज दिया करती थी। मुझे याद है यहाँ पे चड्ढा जी की दुकान होती थी, एक लल्लन थे उनकी दुकान होती थी। आज सारे लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। फोर्थ चैप्टर एंड समथिंग विच वॉज वेरी पर्सनल टू मी इज 8/51, हमारे घर का एड्रेस जहाँ पे हम बहुत सारे साल रहे। गूज़बम्स जिसे कहते हैं, मतलब इन रास्तों पे चलते हुए बिल्कुल गूज़बम्स आ रहे हैं, और अचानक से मन में लग रहा है कि यहाँ पे कभी मम्मी बैठी थी, कभी दादी के साथ खेल रहे होते थे, कभी दीदी के साथ हंसते थे सारे लोग, और हम क्या क्या उगाते थे इन क्यारियों में। पूरी तरह से घर बदला भी है और वैसा भी है। तो अगर आप सोचें कि क्या चीजें बदल गई हैं, तो आपको लगता है अरे ये पेड़ यहाँ पे नहीं था, ये झाड़ी ऐसी थी, और बाद में अरे रंग तो ऐसा ही था, खिड़की ऐसी ही दिखती थी। स्कूलिया पे बैठ के हम गप्पे मारा करते थे, बंगाली में जिसको अड्डाबाजी कहते हैं। छोटू मेरा मित्र था, रुचि थी, तो उनके साथ हम यहाँ पे बैठा करते थे, खेला करते थे। एक समय में इन क्यारियों में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिला करते थे, और सर्दियों में इतना अच्छा लगता था सर्दी की सौंधी सौंधी धूप में बैठ के। घरों की अवस्था आज उतनी अच्छी नहीं है, बड़े बड़े क्रैक्स हैं इनमें, दीवारें गिरने वाली हैं, और शायद जल्दी ही ये घर भी टूट जाएंगे। उभरा आधा शहर एक्चुअली टूट चुका है, नई यूनिट आ रही है। ये हमारा ड्राइंग रूम हुआ करता था, और आज देखे तो लगता है अरे बचपन में तो कभी नहीं लगा ये घर, ये रूम इतना छोटा है। ये मेरे मित्र के साथ इसी रूम में फोटो, मैं जब छोटा था तो मुझे लगता था कि हाइट नहीं बढ़ रही है, तो ये ग्रिल इससे हम लटका करते थे अपनी हाइट को लंबा करने के लिए। इस आम के पेड़ से कितने आम खाए हैं, और कितनी गर्मियों में हम ताजे आम लिया करते थे इससे, अब तो थोड़ी सी घुन भी लग गई है इसमें। बताऊं तो काफी दुख हुआ, ये बिल्डिंग्स ऑलमोस्ट गिरने की कगार पे हैं, और अब ऊपर के क्वार्टर्स में तो कोई रहता भी नहीं है। हम पहले ऊपर रहा करते थे, फिर कुछ सालों बाद नीचे आना हुआ। मम्मी पापा जब जालौन से ओबरा शिफ्ट हुए तो ऊपर के घर में पहला घर था। दादी थी हमारी उस समय में साथ में, और दादी के साथ समय इतना अच्छा था। अभी सोच
पूछूं तो लगता है कल की ही बात है। उस छत का मुझे एक वाकया याद है, जब मैं जाने वाला था 10th में, तो यहाँ पे एक दीदी थी हमारी, छोटी दीदी, उनके साथ हम बात कर रहे थे और वो बोल रही थी कि लवी जब तुम वापस ओबरा आओगे तो तुमको सब कुछ बहुत छोटा छोटा लगेगा। आज अगर आप यहाँ पे आए तो लगता है अरे ये चड्ढा मार्केट तो बगल में है, ये रहे पार्क तो एकदम ही बगल में था। अगर यहाँ तक आए हैं तो पार्क में जाना तो बिल्कुल बनता है, ये स्लाइड जिसपे हम झूला करते थे, और यहाँ पे चारों तरफ यूकेलिप्टस के पेड़ थे। आज उनको नहीं देख पाते हैं लेकिन चारों तरफ से यूकेलिप्टस के पेड़, बीच में पार्क, एक स्लाइड, इतना सुंदर माहौल लगता था। ये क्लब नंबर 4 था जहाँ पे हम लोग अक्सर आते थे, छोटे छोटे फंक्शन होते थे, कुछ लोग यहाँ पे खेला करते थे। 5th चैप्टर इज पानी टंकी। जब कभी रिश्तेदार आए और वो आपसे पूछे कि यहाँ पे देखने के लिए क्या है, तो हम कहते थे पानी टंकी, वहां से जो नजारा है। तो सबसे बढ़िया स्पॉट ओबरा का पानी टंकी, आप हाइट पे आके पूरे शहर को देख सकते थे, पावर हाउस को देख सकते थे। अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपको लगेगा कि आपने इसको ऑलरेडी गैंग्स ऑफ वासेपुर में इस पावर हाउस यूनिट को देखा है, इसी के बैकड्रॉप में बहुत सारी शूटिंग हुई है। इमेज रिक्रिएट करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने करने की कोशिश की, बट आज उतने आगे नहीं जाने देते हैं, उस समय में आप काफी आगे जा सकते थे। पानी टंकी की पहाड़ी के नीचे ही एक शिव जी का मंदिर था जो एक गुफा में है, और आज भी वो मंदिर विराजमान है, गुफा थोड़ी सी और लंबी हो गई है। शिवरात्रि के दिन यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी, और मुझे याद है कि शौकिया तौर पे मैं उस समय व्रत रखता था, हम यहाँ पे लाइन में आके लग जाते थे, शिव जी के दर्शन किए जाते थे, और शाम होते होते तक जो भूख लगती थी। चैप्टर 6 इज अबाउट ओबरा इंटर कॉलेज। मेरी मम्मी यहाँ पे पढ़ाती थी और मैंने यहाँ पे 9th-10th किया। मैं बोलूंगा मेरा पहला एक्नॉलेजमेंट यहाँ से हुआ। हाई स्कूल में बोर्ड में मेरिट आना उस समय बड़ी बात मानी जाती थी। मेरी हाई स्कूल में 18वीं मेरिट आई और पहली बार थोड़ा सा नाम जो हुआ ओबरा इंटर कॉलेज के कारण हुआ। आज इस कॉलेज की भी अवस्था अच्छी नहीं है, बच्चे बहुत कम हैं, टीचर सारे रिटायर हो गए हैं। विजय जी जो इस समय में यहाँ के प्रिंसिपल हैं, इन्होंने बहुत ही प्यार से पूरा स्कूल दिखाया, सभी टीचरों ने बहुत अच्छे से स्कूल दिखाया और सम्मान दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ इतने अच्छे से हम देख पाए। और बहुत सारा ये चीज़ें रिकॉर्डिंग जबकि मैंने अपनी माँ के लिए की, उन्होंने इतनी साल इस स्कूल में काम किया, वो हिंदी और संस्कृत पढ़ाया करती थी, तो उनकी अलग स्मृतियाँ। चैप्टर 8 है उन लोगों के बारे में, उन जगहों के बारे में और उन स्मृतियों के बारे में जो यहाँ पे रह गई हैं। अगर आप ओबरा को जानते हैं तो आप दादा उन वाले को जरूर जानते होंगे। इनकी उम्र 90 साल से ज़्यादा हो गई है पर आज भी बिल्कुल स्वस्थ, खुशी खुशी मिले हमें, और हमारे तो इनफैक्ट पारिवारिक मित्र हुआ करते थे, ये आज भी हैं। इनके बच्चों ने लल्ला भैया और गप्पू जो आज प्रेस रिपोर्टर हो गए हैं, बहुत प्यार से ओबरा देखने में भी मदद की, प्यार से मिले। दीपावली से पहले हम रामलीला देखने जाते थे इस रामलीला मैदान में, सेक्टर 9 का रामलीला मैदान, और गुब्बारे तीर धनुष जरूर खरीद के लाए जाते थे यहाँ से। पास ही में मेरे मामा जी का घर था तो कई बार आप रात को उनसे मिलते हुए जाते थे, उनके बच्चों के साथ हम खेला करते थे, अंकुश, मंजली, प्रीति, गोलू, और मामी बहुत प्यार से हमें तरह तरह की चीज़ें खिलाया करती थी। शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, शी वॉज फुल ऑफ लव। अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत हो गया। चलते चलते आप कई ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो आपके समय में भी थी। ओबरा का डिग्री कॉलेज जस्ट हमारे सामने में स्टार्ट हुआ था, रेडियो स्टेशन स्टार्ट हुआ था, शुरू शुरू में यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के प्रोग्राम्स में आया करता था। कम्युनिटी प्लेसेस का बहुत बड़ा स्थान होता है आपकी मेमोरीज में, और ये राम मंदिर है जहाँ पे पापा अक्सर आया करते थे। मुझे याद है एक पंडित जी थे, वो प्यार से पूजाएं कराते थे, घर पे कभी कथा होती थी तो आते थे, और यहाँ पे भी एक रावण बनता था तो रावण दहन के समय में हम यहाँ पे आते थे। पिताजी की प्रिया स्कूटर थी तो सामने मैं खड़ा हुआ, मम्मी और दीदी पीछे बैठी हुई, और हम यहाँ पे रावण देखने आते थे। तिवारी अंकल पापा के कलीग थे, श्याम सुंदर तिवारी, और आज भी वहाँ पे रहते हैं। बहुत प्यार से उन्होंने घर पे बुलाया और उनसे मिलने गए, और इतने खुश हुए देख के, आप उनके चेहरे की खुशी समझ सकते हैं कितनी खुशी हुई उनको कि हम मिल पाए। पावर हाउस के सीन हमें इतने नॉर्मल लगते हैं, और शायद जो ऐसी जगहों पे नहीं रहे उनको थोड़ा सा अलग लगेगा ये, बट
विश्वकर्मा पूजा के दिन पावर हाउस को खोल दिया जाता था और सारे बच्चे और सब कोई अंदर से देख सकते थे उसको। कोबरा में एक हाइडल पावर यूनिट भी है जहाँ पे डैम है सोन नदी पे, हम उसको देखने भी गए और इतना सुंदर नज़ारा सामने रेलवे ब्रिज जहाँ से ट्रेन निकलती है और मुझे हमेशा याद आता है, और जब मैं भी निकलता हूँ तो किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूँ, यहाँ से रेलवे ब्रिज बढ़िया दिखता है और आप आके देखते हैं दोनों साइड डैम की वाटर लेवल का डिफरेंस, नदी बहती हुई, एंड आई वुड से दीज आर वन ऑफ द मोस्ट सीनिक प्लेसेस। तो मेरी मम्मी ने सबसे पहले इस्लामिया इंटर कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया और शुरू में ओबरा इंटर कॉलेज से पहले कुछ साल उन्होंने यहाँ पे पढ़ाया। हनुमान मंदिर जहाँ पे कई मन्नतों की यादें हैं और सारे ही ओबरा निवासी दूसरे दूर दूर के शहरों से अलग अलग प्रांतों से आके रहते थे, और जो एग्जिट पॉइंट होता था चोपन वॉज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। तो मेरी भी बहुत सारी मेमोरीज है यहाँ पे आके, आप ट्रेन का वेट करते हैं, उस समय तो पूरी एक्सप्रेस हुआ करती थी जो हमको यहाँ से कानपुर ले जाती थी, तो चोपन रेलवे स्टेशन की बहुत मेमोरीज, और मैंने इंश्योर किया कि मैं चोपन रेलवे स्टेशन भी देख के आऊँगा। बच्चों के लिए ओबरा में एक बहुत बड़ा सेंसेशन था चिल्ड्रन पार्क। ये चिल्ड्रन पार्क जब खोला गया तो एक जैसे लगा कि इतनी अच्छी चीज़ भी हो सकती है, आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते थे, कुछ मिरर्स थे जिसमें आपको डिस्टॉर्टेड इमेजेस दिखती थी और आप उनको देख के हंसते थे। एक स्टेशन था खेलगांव जहाँ पे एक ट्रेन थी ओबरा एक्सप्रेस, और आप जाके उसमें बैठ जाते थे। बचपन में आप बिल्कुल ये गौर नहीं करते थे कि इस ट्रेन में असली में तो पहिए नहीं है और ये पहिए नहीं है और ये आगे पहुँचा नहीं पाएगी, लेकिन ओबरा एक्सप्रेस में आप बच्चे बैठ के हंस रहे हैं। बहुत दिनों से प्रबल इच्छा थी कि मैं ओबरा फिर से जाऊंगा, तो इच्छा पूरी हुई, बहुत ही अच्छा लगा और अब जाने का समय आ गया है। वापस जाते हुए फिर से रात को जगमगाता हुआ शहर मारकुंडी की ऊंचाई से दिख रहा है ओबरा। मैं शायद फिर आऊंगा, पर तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं आज जो भी हूँ उसमें बहुत बड़ा तुम्हारा योगदान। थोड़ी सी हमारी भावनाएं शायद इस न्यूज़पेपर क्लिपिंग ने कैप्चर की, वक्त के साथ सब आगे बढ़े पीछे छूट गया ओबरा। तो ओबरा ने बहुत सारे लोगों को बनाया, लेकिन आज ओबरा शहर की स्थिति मैं बोलूँगा उतनी अच्छी नहीं है जितनी उस समय में हुआ करती थी, बट समय की यही लिखती है। वापस जाते समय हम बनारस के घाट पे गए, मैं समीर और नवीन, और पहले भी ओबरा से हम लोग अक्सर इन जगहों पे आया करते थे, बनारस के घाट आया करते थे। समीर के मम्मी पापा ने भी बहुत प्यार से मुझे दो दिन रखा और बहुत ही खुशी से बहुत स्नेह से विदा किया। अब वापस कलकत्ता की फ्लाइट लेने का समय आ गया है, बट बहुत ही खुशी है मुझे कि मैं ये वापस जर्नी कर पाया। एक इंग्लिश टीवी सीरीज है वंडर ईयर्स, उसकी एक लाइन है, ग्रोइंग अप हैपेंस इन अ हार्टबीट, वन डे यू आर इन डायपर्स, द नेक्स्ट डे यू आर गॉन, बट द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड स्टे विद यू फॉर द लॉन्ग हॉल। आई रिमेंबर अ प्लेस, अ टाउन, अ हाउस लाइक अदर हाउसेस, अ यार्ड लाइक अ लॉट ऑफ अदर यार्ड्स, ऑन अ स्ट्रीट लाइक अ लॉट ऑफ अदर स्ट्रीट्स, एंड द थिंग इज After all these years, I still look back with wonder. Obra, I still look back at you with wonder. इन पिक्चर्स को देख के बीटल्स का एक गाना याद आता है, There are places I'll remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone. And some remain, all these places have their moments, with lovers and friends, I still can recall, some are dead and some are living. In my life, I've loved them all.